नमस्कार इंडिया। नमस्कार, कैसे हैं आप? वाकई बढ़िया हैं। चलिए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने हिंदुस्तान की और वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी को ज्वाइन किया, सेफ शॉप को। जोरदार तालियां। कैसे नो? अगर आप जिंदा हैं तो ताली दमदार बजाओ मेरे दोस्त। दमदार, दमदार, दमदार। तैयार है? 10 से 15 मिनट बात करूंगा आपसे। आर यू रेडी? आप जानना चाह रहे होंगे मैं कौन हूं? अजी भाई साहब, सेब शॉप का क्राउन हूं। कितने ऐसे लोग हैं जो पहली बार मुझसे इस तरीके से मिल रहे हैं? वाकई इतने सारे लोग? चलिए, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। नाम विकास यादव है, प्यार से लोग टाइगर कहते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो तेजी से डायमंड बनना चाहते हैं? वो मेरे दोस्त हैं, जो तेजी से डायमंड बनना चाहते हैं। सारे लोग? ऐसा तो नहीं किसी को 4-5 साल लगाने हैं डायमंड बनने में? 1000 दिन में डायमंड बनना है? मैंने बन के दिखाया है, आपको भी बनना है? 15 मिनट बात करूंगा, और वो बातें सारी की सारी मैंने अपने जीवन में सीखी हैं। अगर वो बातें अगर आप अमल कर लोगे तो 1000 दिन में नहीं मेरे दोस्त, 900 दिन में डायमंड बन जाओगे आप, 900 डेज। चलिए फिर चले, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो फिर यार, चलने के लिए तो रीढ़ की हड्डी सीधी चाहिए। चले, 2009 में माँ बाप ने मुझे सिखाया कि बेटा पढ़ो लिखो, बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई की, और माँ बाप ने एक चीज और समझाई थी कि बेटा पढ़ोगे लिखोगे सरकारी नौकरी करोगे तो जीवन बड़े शान से कटेगा। हर के हर इंसान के माँ बाप कुछ ऐसा ही कहते हैं? यस या नो? अपने भी माँ बाप ने यही समझाया, और अपनी एक आदत है कि अगर कोई समझाता है तो बात जल्दी समझ में आ जाती है, अगर बात फायदे की है तो। यस या नो? माँ बाप ने समझाया, जब लोग नाड़ा वाड़ना सीखते हैं ना, क्या क्या डालते हैं वो, क्या होता है नाड़ा, क्या होता है? अरे जो राजा बाबू वो पिक्चर में नहीं खींचते क्या है वो ही नाड़े की बात कर रहा हूं। जब लोग उसको बांधना सीखते हैं ना, तब विकास यादव जी सरकारी जॉब में चले गए थे। जिंदगी में कभी चप्पल चटकाई नहीं, फालतू की बात की नहीं, और जीवन में जीवन कैसे बनता है इस बात को बड़े नजदीक से मैंने देखा है और मैंने बनाया है। 16 साल की एज थी और उस समय मैं सरकारी जॉब में चला गया, और जॉब भी साला कोई अटूरी मटूरी चटूरी नहीं थी, आर्मी की जॉब थी। हेलो, एक बंदा बोला अरे ये बिजनेस उनका है जिनके पास कुछ नहीं है। हेलो, ये धंधा उनका है जिनका खून गर्म है साला, ये धंधा उनका है। यस या नो? आर्मी में जाने के बाद भी कुछ ढूंढ रहा था, कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि जॉब बहुत अच्छी थी, शान की थी, पर एक चीज वहां पे मुझे जो अच्छी नहीं लगती थी वो साला जब बोलता है ना ओए इधर आ, एक साला आदमी आके थोड़ा सा पढ़ लिखे, थोड़ा सा मेरा सीनियर बन के, मेरे माँ बाप ने ऐसे नहीं बोला ओए इधर आ, और ये मेरे को बोलता हो इधर आ, और ये उंगली मुझे ऐसे लगती थी जैसे उसकी तलवार है, जिसको हिंदी में बोलते हैं बॉस, क्या बोलते हैं? मैं ढूंढ ही रहा था यार, कुछ मिलना चाहिए, कुछ करना चाहिए, और इस साले लटूरों से छुटकारा चाहिए। लेकिन सरकारी जॉब बड़ी मुश्किल से मिली, उसको छोड़े तो छोड़े कैसे,
माँ बाप का सपना था सरकारी जॉब करना की, लेकिन अपने भी कुछ ड्रीम थे जीवन में। हम साले कमरे के अंदर के मर्द नहीं थे, हम बाहर के भी मर्द थे। यस चलो, खून बहुत गर्म था कि अपुन को साला को उंगली दिखाए। ये इस मर्द को पसंद नहीं था जिसका नाम विकास यादव है, लेकिन भाई सरकारी नौकरी थी, सरकारी नौकरी वो भी आर्मी की प्राइवेट में, तो साला कोई भी घुस जाता है डिग्री डिप्लोमा दिखला के। वहां पे 1 लाख की लाइन लगती है तब एक बंदा सिलेक्ट होता है। हेलो, पहले से सक्सेसफुल था मैं, कुछ ढूंढ ही रहा था। जॉब करते करते 7 साल हो गए, एक दुविधा थी कुछ करें जीवन में, बहुत बड़ा करना था। 2009 में थैंक गॉड, ऐसा बोला जाता है आपका भेजा और आपकी आंखें जो चीज ढूंढती हैं और जो चीज सोचती हैं वो आपको एक दिन मिल जाता है। यस या नो, अपन कुछ ढूंढ ही रहे थे, कुछ मिले मिले मिले, थैंक गॉड 2009 में बिजनेस प्लान देखने का मौका मिला। बिजनेस प्लान इतना गजब का, इतना गजब के कि साला उसमें समझ भी नहीं आया है क्या। गजब का प्लान है ना, गजब की चीजें आसानी से समझ में आ जाए तो उनकी वैल्यू खत्म हो जाती है। गजब का प्लान था, लेकिन लास्ट में एक चीज समझ में आई कि अगर आप इसमें सफल होते हो तो आप एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। यस यू नो, बिजनेस प्लान देगा, बहुत अच्छा लगा। और मैंने फटाफट अपना डाटा फॉर्म फिलअप करवाया, और फिलअप करवाने के बाद मेरा अगला सवाल यही था कि आगे करना क्या है। अगला सवाल क्या था, कईयों का सवाल यह होता है कि सोचूंगा। हेलो, अरे 18 साल का हो गया, अब भी तू सोच ही रहा है, अब तो सोचना बंद कर। हेलो, 18 साल का हो गया तो बच्चे पैदा कर दिए, शादी कर दिए, मरखट में जाने के लगने की बात कर रहा है, बोलता सोचूंगा। कब तक सोचेगा भाई, हेलो कब तक सोचेगा। हेलो, हमारे धंधे में आ जाते हैं और उनको बिजनेस को ज्वाइन किए हुए 1 साल 2 साल 3 साल और 4th साल भी पूछते मैं सोचूंगा। हेलो, कब सोचेगा भाई। लेकिन अपुन ने ये नहीं बोला मैं सोचूंगा, अपुन ने बोला आगे काम क्या करना है, क्योंकि ड्रीम बहुत बड़े थे जीवन में। मैंने अपने बाप को मेहनत करते हुए देखी थी और ईमानदारी की कमाई कैसे कमाई जाती है मैंने बहुत नजदीक से देखा था अपने बाप को। यस यू नो, मैंने अपनी माँ को देखा था कि कितनी मेहनत करती है घर में। मैंने बहुत दिन देखे थे कि लाइट नहीं आती है तो साला 4-4 दिन तक मच्छर ऐसा। हेलो, इधर से मच्छर इधर से मक्खी, साला साला करते 3 पीढ़ियां निकल गई। हेलो, अपन भी ऐसे ही करते थे, तो जीवन में इन सारी चीजों को देखा था। पैसे की वैल्यू क्या होती है बहुत अच्छी तरीके से जानता था, वो भी 1 नंबर का पैसा चाहिए था। यस नो, और ये चीज मुझे इस बिजनेस में दिखाई थी जिसका नाम है मेरे दोस्त सेफ शॉप। हेलो, लेकिन ऐसा बोला जाता है जब आप कोई भी काम करते हो तो 2-4 लोगों से सलाह जरूर लेते हो, लेते हो। हेलो, मैं भी उसी समाज का रहने वाला व्यक्ति था और मैंने भी सलाह ली उससे जो मेरा दोस्त था। यस यू नो, सलाह ली तो उसने कुछ मेरे को उल्टा सीधा बताया जिसको बोलते हैं निगेटिविटी, और उल्टा सीधा बताने के बाद मैंने इस बिजनेस को हालांकि ज्वाइन किया लेकिन कुछ समय के बाद ज्वाइन किया। यस यू नो, और ज्वाइन करने के बाद आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूं। हेलो हेलो, 2009 में ज्वाइन किया था, कितने साल हो गए हैं, लगभग 9 ईयर्स हुए हैं, कितने साल हुए हैं। और आज से 9 साल पहले मैंने दोस्त ये बिजनेस ज्वाइन किया। कंटिन्यू पिछले 9 साल से मैं सेफ शॉप में हूं। आज मैंने अपने जीवन को बदला है। बात करेंगे अगर मेरे बैकग्राउंड की तो बहुत ही दमदार बैकग्राउंड है। सरकारी जॉब में था, अच्छी खासी तनख्वाह थी, तो एकदम जो आदमी बोलता ना लाइफ सेट है, बिल्कुल दोस्त आम आदमी की भाषा में बात करें तो लाइफ सेट थी।
लेकिन जब मैंने इस बिजनेस को देखा और ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद मुझे बिजनेस का कोई ज्ञान नहीं, लेकिन बिजनेस क्यों करना चाहिए ये बात तब समझ में आई जब मैं मिला एक इंसान से जो हम सबके प्रेरणा के स्रोत, हम सबके ग्रेट मेंटर महागुरु जी जसवी सर, जोरदार ताली बजाइए, जोरदार। उनसे मिला तो उन्होंने मेरी FIM की, जिसको बोलते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, और उन्होंने मुझे बताया कि तुम इस बिजनेस को कैसे कर सकते हो और करते हो तो तुम कहां जाते हो। दोस्त उस दिन के बाद वो मेरी पहली FIM थी जहां पे मुझे समझ में आ गया था कि धंधा क्यों करना जरूरी है। इन्होंने मुझे बताया कि तुम अपने जीवन में जो नहीं कमा सकते वो मात्र 3 से 4 साल में यहां से बना सकते हो। हेलो, यस या नो? और दोस्त मैंने काम करना शुरू किया। बड़े मेरे को लोग बोलते हैं कि पहले मैं ट्रेनिंग लूंगा तब काम करूंगा, लेकिन हमारा धंधा जब आप काम करते हो तब आपकी ट्रेनिंग होती है। जब तक आप काम नहीं करोगे तब तक आपकी ट्रेनिंग नहीं होगी, चाहे मूर्ख जरूर बनाते रहना अपने आप को। जब तक आप प्लान नहीं दिखाओगे तब तक आप प्लान देना सीखोगे ही नहीं। जब तक आप लिस्ट बना के 3 कार्डियल रूल और 3 जो स्टेप है जब तक उसको फॉलो नहीं करोगे, 3 पावर्स हैं, 3 कार्डियल रूल हैं, जब तक खुद फॉलो नहीं करोगे आप चाहे हजारों यूट्यूब पे किताब ट्रेनिंग सुन लेना, वो चीजें आपके अंदर आने वाली नहीं है। यस या नो? और दोस्त मैंने काम करना स्टार्ट किया तो विदिन बताते हुए बड़ा फक्र होता है, 2 दिन के अंदर 7 ज्वाइनिंग करा दी थी हमने, जहां पर लोग बोलते हैं ज्वाइनिंग नहीं होती। आदमी अगर अपनी सी पे आ जाए तो वो अपने जीवन में क्या नहीं कर सकता। यस या नो? आदमी के अंदर चाहत होनी चाहिए और मेहनत करने के लिए तैयार होना चाहिए। मेरे दोस्त और मेरे अंदर चाहत भी थी और मेहनत करने के लिए तैयार थे, क्योंकि मेहनत तो मेरे ब्लड में है। यस या नो? ब्लड में क्यों है ना, मेरा बाप कामचोर था, मेरा बाप मेहनती, मैं भी मेहनती। यस या नो? और जो लोग मेहनती नहीं होते खानदान में देख लेना, वो अपने खानदान में अपने बाप को गाली देते हैं जो साला कामचोर होते हैं। मैं कामचोर नहीं था। मुझे बता दिया था कि विकास जी 10,000 की टीम बनाने से आपका भविष्य बदलेगा। मेरी बिल्कुल भी सोच नहीं थी कि मैं 3 की टीम बनाऊंगा। मेरा सीधा का सीधा टारगेट 10,000 पे था। कितने पे था? कितने पे था? मैंने बोला अभी कितने लोग ऐसे हैं जो डायमंड बनने का पीरियड क्या है? बोला 4 से 5 साल। मैंने बोला रिकॉर्ड बनाते हैं, 4 से 5 साल तो यार दुनिया बन के देखी है। और मैंने टारगेट लगाया तो मैंने देखा अगर मैं 1,000 दिन में बनता हूं डायमंड, हेलो, तो डेली की मुझे 10 DD चाहिए। कितनी DD चाहिए? 10 DD डेली की चाहिए। और मेरे गुरु ने मुझे एक किताब दी थी, उसमें 80-20 का रूल था कि भैया जब आप 10 को प्लान दिखाओगे तो मिनिमम उसमें 2 लोग ज्वाइन करेंगे। धंधा मेरा था, जीवन मुझे अपना बदलना था, मेहनत करने के लिए मैं तैयार था। और दोस्त उस स्पीड से मैंने काम किया, काम करते करते मैंने 250 की टीम बना दी थी। किसकी टीम बना दी थी? लेकिन डायमंड बनते हुए मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा था, आया ना? और दोस्त डायमंड शिप क्या होती है, मैंने यूट्यूब पे नहीं, मैंने लैपटॉप पे मैंने देखा था डायमंड बनते हुए। लेकिन मेरे गुरु के द्वारा मुझे इंफॉर्मेशन मिली कि विकासी आगरा के अंदर एक डायमंड रिकॉग्निशन होने जा रही है और उसमें आप अपनी आंखों से डायमंड बनते हुए देखोगे। आप सब लोग लकी हो कि आज वो क्षण आपके जीवन में है कि आप भी अपनी आंखों से डायमंड बनते हुए आज स्टेज पर देखेंगे। और दोस्त 2009 25 दिसंबर 2009 को मैंने अपनी आंखों से मैंने एक एक नहीं दो दो डायमंडों को बनते हुए देखा। और उस दिन कसम खाई थी कि साला चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में मरने से पहले डायमंड बनके जरूर दिखाऊंगा। और वो कोई और नहीं, हम सबके ग्रेट मेंटर रॉयल ड्रीमर टीम के फाउंडर लीडर, हम सबके ग्रेट मेंटर महागुरु जी माधव सर के लिए जोरदार ताली बजाएं। और उसी में महागुरु जी विजयपाल सर, 2,000 ताली बजाएं महागुरु जी विजयपाल महागुरु जी के लिए 2,000 ताली। डायमंड बनते, लाइफ में पहली बार मैंने किसी को देखा इतना सम्मान पाते हुए।
मैं टीवी में देखता था, नाटकों में देखता था, सब मुझे ढोंग लगता था कि ये लोग ऐसा करते हैं इनको पैसे मिलते होंगे। एक आदमी की सोच उतनी है जितना वो सोच सकता है, और अपुन की भी सोच इस बिजनेस में आने से पहले कुएं की मेढक की तरह ही थी। हालांकि मैं अपने आप को तुर्रम खान समझता था, सलमान खान शाहरुख के बाद एक और खान है तुर्रम खान, वो मैं अपने आप को समझता था, मुझे लगता था दुनिया में यही है। लेकिन जब मैंने लोगों को सुना, अपने ग्रेट मेंटर को सुना, उन्होंने बोला मैंने बीएड की है। बीएड करना उस जमाने में एक सपना होता था, 2009 की बात कर रहा हूं। हेलो, मेरे को बीएड की इसलिए वैल्यू ज्यादा पता है कि साला मैं नकल मार के पास हुआ था हाई स्कूल। मैं बोला यार बीएड करना, और जब इन्होंने अपनी स्पीच में बोला कि ये तो अपना एकदम क्लियर गोल तय हो गया कि जब ये लोग इस काम को कर सकते हैं तो यार मुझे भी कर लेना चाहिए, क्योंकि ये समझदार हैं। और हमारे समाज में जो एजुकेटेड लोग होते हैं, हमारा समाज उनको बहुत ज्यादा समझदार मानता है। यस यू नो, और ये भी समझदार। जब मैंने इनको सुना तो मुझे लगा नहीं यार अब डायमंड बनना चाहिए। हालांकि लोग, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरी टीम नहीं बन रही है। टीम ना बनने का सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने अभी तक अपना कोई टारगेट या गोल सेट नहीं किया। यस या नो, मेरी 250 की टीम बन गई थी और मैं सोचता था मेरी कोई टीम ही नहीं है। लेकिन एक दिन मेरी महागुरु जी से काउंसलिंग हुई और मैंने बोला अभी तो मेरी 250 की टीम है। बोला बेटा 250 की टीम ना, सेफ सॉम में बहुत ही लकी लोग होते हैं जो सिल्वर और गोल्ड बनते हैं। यस या नो, यस या नो। और उन्होंने मुझे समझाया कि हजारों लाखों लोग शेप शॉप को ज्वाइन करते हैं, उसमें से कुछ चंद लोग होते हैं जो क्यूएससी बन पाते हैं। हेलो, और कुछ ही चंद क्यूएससी होते हैं जो सिल्वर तक पहुंचते हैं। हेलो, और कुछ ही चंद सिल्वर होते हैं जो गोल्ड तक पहुंचते हैं। हाँ या ना, और उनमें से तुम एक लकी होगी, तुमने गोल्ड बन के दिखाया है। यस यू नो, और गोल्ड जो बंदा बन जाता है वो डायमंड पक्का जाता है। उन्होंने ये मेरे दिमाग में बैठा दिया था। यस यू नो, और दोस्त मैं इस बिजनेस में गोल्ड बना था, उसी दिन से मैंने समझना स्टार्ट कर दिया था कि मैं भी डायमंड हूं। एक आदमी की 50 की टीम बन जाती है, गोल्ड बन जाता है, पर्ल बन जाता है, टोपाज बन जाता है, उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता है। आदमी एक बच्चा पैदा करता है, पूरा जीवन उसको बनाने में लग जाता है। और यहां पर बंदा 2 की टीम बना के 50 और 100 और 500 की टीम बनाने के बाद भी जिम्मेदारी का एहसास नहीं करता है, इसलिए वो बंदा यहां पर फेल हो जाता है, इसलिए वो बंदा पर कामयाब नहीं हो पाता। और मेरे गुरु ने उस दिन मुझे जिम्मेदारी का एहसास दिलाया कि 250 की टीम बहुत बड़ी टीम होती है और तुम्हें जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, तुम्हें हर ट्रेनिंग में जाना चाहिए, अपने आप को इंप्रूवमेंट करना चाहिए, क्योंकि यह बिजनेस मालिक बनने का है, चपरासी बनने का नहीं है। यस यू नो, यस यू नो। उन्होंने मुझे समझाया यह धंधा तुम्हारा है, इस पर फोकस करो, और उसी समय कंपनी का टारगेट निकला हुआ था। हाँ या ना, यस यू नो। आज भी कंपनी का टारगेट है कि नहीं है? यस यू नो। उन्होंने मुझे एक चीज और समझा दी कि विकास अगर तेजी से डायमंड बनना है तो एक ही गोल्ड रखो कि जितने भी टारगेट लिख लें कंपनी के, हर टारगेट जीतो, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि तुम डायमंड कब बन गए डायमंड। यस यू नो। 250 की टीम बनाई काम करते करते, जहां पर लोग बोलते ऐसा कुछ होता नहीं है, दोस्त मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैंने बिजनेस प्लान देखा था और उस समय ज्वाइन किया था। मैंने सपना देखा था कि मैं इस बिजनेस में आऊंगा, हो सकता है, पता नहीं, मेरे अपलाइन 2-2 लाख रुपए हफ्ते कमाते हैं, मैं कमाऊंगा नहीं कमाऊंगा, लेकिन हमारी कंपनी और हमारा एजुकेशन सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं सक्सेसफुल सिस्टम, इतना पावरफुल है कि अगर इसको कोई फॉलो कर ले तो बंदा खुद नहीं, वो अपनी टीम से भी। आज देखिए आप, ये मेरे चेक हैं, अगर किसी को कोई सका हल्की दिखाने नहीं चाहिए, दिस इज माय प्रॉपर्टी, लेकिन फिर भी जो ऐसा बोलते हैं ऐसा होता नहीं है, वो अपने बाप को बता सकते हैं ऐसा होता ही है, 2-2 लाख रुपए का चेक है, देख सकता है। आज इस बिजनेस के माध्यम से मैं 2 लाख रुपए नहीं कमाता, मेरी डाउनलाइन में 22 लोग ऐसे हैं जो साल का 1.4 करोड़ कमाते हैं मेरे साथ। हेलो, मुझे आज भी याद है, मैं जब एमरल्ड लेवल पे था
तो एक बंदा आया मेरे को प्लान दिखाने के लिए। मैं गोरखपुर में था, उसने मेरे को पता कर लिया, एक बंदा आया बड़ा अच्छा काम कर रहा है, मेरे को ऑफर दे रहा है। और आया और आके बढ़िया एकदम सोने की चैन एन स्टाइल से, एकदम जींस, एक उसका बढ़िया सा कोई चमचा था, लैपटॉप लिए हुए आया। मैं बोला मेरे से अपॉइंटमेंट लेने से पहले बंदा पूछता है कोई डायरेक्ट कैसे आ गया, और आके मेरे सामने बैठ गया और मेरे को बोलता है आपकी कंपनी का प्रोडक्ट महंगा है, आप हमारे साथ आइए। लेकिन मैंने अपने गुरु को देखा था और उन्होंने मुझे इस बात के लिए बताया था कि दुनिया में जब मैं दिशा में गया था तो वहां पे मुझे समझाया गया था कि पथ बहुत लंबा है, बिजनेस बहुत बड़ा है, लालच में कभी फंसना नहीं। और मैंने दोस्त, जब वो बंदा मेरे सामने बैठा और जब इस तरीके की बातचीत की, वैसे तो मैं कॉफी ऑर्डर करने वाला था, लेकिन मैंने उसको एक ही चीज बोली कि तू गलती से इसलिए आ गया, शायद तू विकास यादव के बारे में जानता नहीं है, जहां से आया ना वहां घुसेड़ दूंगा, दोबारा इधर दिखना नहीं। मैं बोला शायद जानता नहीं है तो, और शायद अगर उस समय में इस तरीके से अगर मैं सोचता, लेकिन मैं आज बता देता हूं कि हिंदुस्तान में इकलौती एक कंपनी है जिसको 18 साल हो चुके हैं। हिंदुस्तान में इकलौती एक ऐसी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट दमदार है और नंबर वन है। एक बंदा आके बोलता है सर ये देखो चेक चेक चेक। मैं बोला किसका है? पता नहीं किसका है, सेफ शॉप का नहीं है। मैं बोला ये देख, ये अंधों में काना राजा एक है। हेलो। और मैं बोला हमारे पास तो लाखों राजाएं सेफ शॉप में जो 18 साल में बनाए हैं, 18 साल में। हेलो। मेरे दोस्त बिजनेस बहुत बड़ा है। आज मैं इस बिजनेस से, मैं क्या बोला, एक बंदा 1 लाख के चेक दिखा रहा है, एक बंदा 10 लाख के चेक दिखाता है, देखिए कितनी बड़ी पावर है। मैं 1 करोड़ 4 लाख कमाता हूं और मेरी डाउनलाइन में 22 लोग हैं जो 1 करोड़ 4 लाख कमाते हैं। हमारी कंपनी एक साल में, मैं अपनी बात कर रहा हूं, सेफ शॉप तो बहुत बड़ा समंदर है, मेरी टीम में 22 लोग ऐसे हैं जिनको कंपनी लगभग 23 करोड़ रुपए देती है साल का। हेलो। साला पटाखे से चलाते फिर रहे हैं, बोला जी डायमंड बनना है। डायमंड तो तब बनेगा ना जब माइंड सेट होगा। यस यू नो दोस्त, इस बिजनेस को जब स्टार्ट किया था तो मैंने, मुझे आज भी याद है, मेरा एक टारगेट रह गया था जिसमें 60 TTD कम पड़ गई थी और मैं तिमचमा रहा था कि यार कैसे होगा कैसे होगा। लेकिन उस दिन के बाद कसम खाई टारगेट छोड़ा नहीं। और आज की डेट में मैं आपको बात करूं तो सैकड़ों लोग मेरी टीम से यूरोप और बैंकॉक घूम के आते हैं हर तीन महीने में। आज जो भी आप सुन पा रहे हैं, आज मैं लग्जरी कार से चलता हूं, आज अगर मुझे कोई बोले कि आप लीजेंड है तो इस बात पे बिल्कुल मुझे शक नहीं है। पावर ऑफ सेफ शॉप, पावर ऑफ सिस्टम। आज जो मेरे पास सक्सेस है वो किसी की दहेज में दी हुई नहीं है, साला सेफ शॉप के दम पे क्रिएट किए विकास यादव ने। हेलो। हजारों लोग YouTube पे पूछते हैं मेरे से, फेसल सोशल मीडिया में, और कमेंट देते हैं पता नहीं क्या क्या। हाँ विकास यादव 1 करोड़ 4 लाख कमाता है और तुझे शक है तो अपने बाप से मिल, तरह के दिखाता हूं साला तेरे को।
अरे तू कमेंट सोशल मीडिया पे क्या करता है साला, इधर हाथ दिखाता हूँ तेरे को सेब शॉप की बाबर है। अरे इधर मिलना, क्या तू बच्चों से पूछता है, क्या तू उनसे उलझता है, और सारा मेरा वीडियो यूट्यूब पे डालना और सुनना, जाके अगर वो सुनेगा तो इधर अपने बाप से मिलना, दिखाता हूँ सेब शॉप की बाबर साला। हर गली में एक कुत्ता होता है, और कुत्ते की भौंकने की आदत होती है, शेर जंगल में रहता है, जंगल में, और जहां पैर रखता है वो इसका इलाका हो जाता है। यस यू नो, यस यू नो, जिंदगी बनाना एक जंग है, हेलो, और ये मर्दों का खेल है, हेलो, आया ना। एक करोड़ चार लाख ना बहुत बड़ी बात होती है, हफ्ते के 2 लाख कमाना। आज हमारी कंपनी महीने के 28 लाख देती है। एक बंदा बोला, अरे आपका तो चेक 1000 का आया, आपका तो चेक 4500 का आया। एक कहानी सुना देता हूं जो मेरे अपलाइन ने मुझे सुनाई थी। एक बच्चा लेट हो गया स्कूल जाने में, तो वो लेट पहुंचा स्कूल, तो टीचर ने पूछा, भाई तू लेट क्यों हो गया? बोला, जी लेट क्या हो गया जी, मेरे भैंस ने पड्डा दिया है। बोला, ये कौन सी बड़ी बात है? वो तो बोला, तू दे के दिखा। अरे बड़ी बात नहीं है तो तू दे के दिखाना, पता चल जाएगा। ये कौन सी बड़ी बात है, तेरी 3 की टीम है। ये कौन सी बड़ी बात है, तेरी 50 की टीम है। ये कौन सी बड़ी बात है, तेरी 500 की टीम है। अरे जिसके साथ 2 की टीम है ना, वो सेफ शॉप का डायमंड है मेरे दोस्त, सेफ शॉप का डायमंड है। यस या नो? वो एक चाय दिखाता है आ मेरे पास, वो एक ओडी दिखाता है आ मेरे पास। मैं सेब शॉप तो समुंदर है, मेरी बात कर, मेरे से मिल। आज डाउनलाइन में मेरी टीम के अंदर नई गाड़ियां 10 लाख से ऊपर, कम से कम 5000 गाड़ियां हैं जो रोडों पे चलती हैं। तू एक चेक दिखा रहा है, मेरी टीम के अंदर 22 बंदे ऐसे हैं जो हर हफ्ते 2 लाख कमाते हैं। यस या नो? बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत मिलेंगे डायलॉग मारने वाले, उनका डायलॉग ही। और दोस्त हमें किसी के डायलॉग से नहीं घबराना। मैंने अपने जीवन में एक चीज और देखी है कि कभी भी अपने आप को हल्के में नहीं लेना, कभी अपने आप को सस्ते में नहीं लेना। आपकी कंपनी सेफ शॉप इतनी दमदार है, सिस्टम इतना दमदार है, और मेंटरशिप भी बहुत दमदार है। लगे रहना, यस या नो? लगे रहना, बहुत मिलेंगे स्टाइल मारने वाले, बहुत मिलेंगे। एक चीज और मैंने देखी है, बिजनेस ना ज्यादा समझदार लोगों का नहीं है। आपने देखा हो एक बंदा ज्यादा हाई फाई है ना, जैसे कोई नॉर्मल बंदा है, तो वो बंदा अगर रोड पे चल रहा है और उसके जूते में कुछ लग गया तो ऐसे करेगा और चल देगा। एक बंदा बहुत हाई क्वालिफाइड, अपने आप को साला मतलब क्या समझता है, उसके जूते में कुछ लग जाए हर चीज की आदत है चेक करने की, हर चीज को चेक करेगा साले, तो तेरा तो सत्यानाश तय है। हम काम तब करेंगे, पहले अपना चेकवा दिखाओ, चेकवा। हम काम तब करेंगे वो ना, जसवीर जी की कार दिखाओ, कार। तेरे बाप को भरोसा नहीं होता ना तो तू भी पैदा नहीं होता। भरोसे की बहुत बड़ी चीज है।
ये सब ऐसे ही होते हैं, इनको पैसे मिलते हैं बोलने के। हाँ मिलते हैं ना 1,04,00,000 बोल, मिलता है भाई। यूट्यूब पे हजारों बैठे रहते हैं, पूरे दिन डायलॉग ठोंकते रहते हैं, उनसे तो बच्चे नहीं पल रहे। नॉलेज का धंधा है लेकिन थोड़ी नॉलेज, धंधा मेहनत का है, धंधा एथिक्स का है, धंधा संस्कारों का है। मैं 1,000 दिन में डायमंड बना, आज मेरी टीम में 46 डायमंड है मेरे दोस्त। एक बंदा बोला ये सेफ शॉप ये दूसरी कंपनी। मैं बोला ओए कहां बकरी की साला तू कंपेयर हाथी से कर रहा है। मैं बोला पहले उसको 18 साल तो होने दे, साला नया सेल ज्यादा चिल्लाता है। हेलो 18 साल कंपनी को कंपेयर भी करना है तो बराबर वालों से करना, बच्चों से क्या कंपेयर कर रहे हो यार। निकालना 18 साल की कंपनी जिसको हिंदुस्तान में 18 साल हो गए हैं, कंपेयर भी करना है तो बराबर वालों से करना, बच्चों से कंपेयर नहीं करते। सेफ शॉप को 18 साल हो गए, कभी भी कोई वीक, मेरे को 9 साल हो गए। जिस भी कंपनी ने मेरे घर पे अगर मैंने चेक बनाया है तो चेक उसने ना भेजा हो, आज तक ऐसा हुआ नहीं है। आप जिस कंपनी में है वो कंपनी सिर्फ बोलने के लिए नंबर वन नहीं है, नंबर वन थी, नंबर वन है, नंबर वन रहेगी। यस या नो? मैं अपने अपलानों की बात करूं, महागुरु जी जसवीर सर बीएमडब्ल्यू पे चलते हैं, विश्वसनीय तो लेट साले ऊपर चढ़ा के दिखाऊंगा, असली है। विश्वसनीय तो लेट महागुरु जी विजय पाल सर ऑडी A6 पर चलते हैं, विश्वसनीय लेट ऊपर चढ़ा के दिखाऊंगा। महागुरु जी माधव सर ऑडी A6 पर चलते हैं, यस या नो? और उनका डाउनलाइन का एक टाइगर ऑडी पे चलता है, खड़ी है देख लेना। सुनो लेकिन ध्यान रखना, आज आपको एक मौका मिला है एक परंपरा तोड़ने का, ये लास्ट बात है, इसको बोल के मैं फोन रखूंगा। अब बोलोगे फोन, हाँ जी फोन है, मैं बोल रहा हूं फोन है तो फोन है। ये सुनो, एक हमें सिखाया जाता है कि बेटा पढ़ लो, क्या बोलते हैं थोड़ा जोर से बोलो, मां बाप क्या सिखाते हैं, बेटा पढ़ लो, क्यों पढ़ना है, बेटा नौकरी कर लो, लो नौकरी करने के बाद बेटा शादी कर लो और बाकी का तो अपने आप हो जाता है, हम दो हमारे दो। बस इसका अंतिम संस्कार इधर ही हो गया, ये भी यही सिखाता है, बेटा पढ़ लो, बेटा नौकरी कर लो, बेटा शादी कर लो, नहीं होते हैं तो हो जाएंगे, लगे रहो। सेफ शॉप ने पहली बार आपको मौका दिया है यहां से आगे बढ़ने का मेरे दोस्त, यहां से आगे बढ़ने का, यहां से आगे बढ़ने का। यस या नो? कांग्रेचुलेशन, आगे बढ़िए वहां से। यस या नो? सेफ शॉप बहुत बड़ी ताकत रखती है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा सिस्टम है। आज हमारे ग्रेट मेंटर्स आए हुए हैं, आप जैसे किसी दिन किसी ने बैठ के यहाँ पर डिसीजन लिया था कि मुझे भी डायमंड जाना है, आज एक देख रहे हैं आप इधर डायमंड है, इधर देख रहे हैं, आज आपको दो दो डायमंडों की रिकॉग्निशन देखने का मौका मिलेगा। यस या नो? देख के जाना, समझ के जाना, दिल में बैठा के जाना और कसम खा के जाना, अगले 2 साल में सेम ऐसा ही स्टेज ऐसा ही हॉल होगा, आप ताज पहनोगे मेरे दोस्त, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। थी
तीन चीजें बता के जा रहा हूं जीवन भर याद रखना। मैंने किताबों से तो सीखा ही सीखा है, 9 साल धंधा करके सीखा है। नंबर एक, अपना एक मेंटर जरूर चुन लेना है। यस यू नो, एक मेंटर जरूर होना चाहिए जो आपको रास्ता दिखाए, हाँ या ना। दूसरी बात, कभी भी सिस्टम की तरफ से अगर कोई बात आती है और आपको बोला जाता है ये करना है तो मुंह टेढ़ा मत करना, उसको एक्सेप्ट कर लेना। यस यू नो, हाँ या ना। और तीसरी बात, कभी भी कुछ भी होने दो पर अपने ऊपर से भरोसा मत तोड़ना मेरे दोस्त, कोई माइकल आर आपको डायमंड बनने से रोक नहीं सकता। आज मैं सेफ शॉप के माध्यम से स्टार हूं। इसकी एजुकेशन इतनी दमदार है कि इस एजुकेशन ने एक आम लड़के को लीजेंड बना दिया। पावर ऑफ सिस्टम, पावर ऑफ मेंटरशिप। और मैं हमेशा बोलता हूं, पार्टी तो अभी शुरू हुई है मेरे दोस्त, 2030 में मिलना साला। प्राइवेट जेट निकलना, जेट लेकर ना मिलू तो विकास यादव नाम नहीं। जाते जाते एक कसम खिलवा के जा रहा हूं और ये भी बोल के जा रहा हूं, आप मत बोलना, मैं बोल के जा रहा हूं, अगर आपको आपके बाप ने पैदा किया तो डायमंड बन के जरूर दिखा देना। खड़े हो जाओ, मुट्ठी बांधो। आज पूरा ब्रह्मांड आज तय करेगा आप 3 साल में 2 साल में डायमंड पक्का बनेंगे। यस नो, मुट्ठी बांधो मेरे दोस्त और 3 बार दमदारी से बोलेंगे हाँ या नो। आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड एंड थैंक यू वेरी मच एंड गो डायमंड। थैंक यू वेरी मच।